फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ वो खूबसूरत चीज़ की जिसे कुदरत ने हमें दिया है और उस चीज़ की वजह से हम ये दुनिया की खूबसूरती देख पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो कुछ और नहीं, वो हमारी आँखें हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम अपने बॉडी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, मेडिटेशन करते हैं और न जाने क्या क्या। पर हम में से कितने लोग हैं जो अपने आँखों के लिए भी कुछ ऐसा करते हैं? अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि हम आँखों को किस तरीके से रिलैक्स करा सकते हैं। या फ्रेंड्स, मैं कुछ मेडिसिन नहीं बताने वाली या मैं आपको कुछ डाइट नहीं बताने वाली आँखों के लिए। मैं आज कुछ ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं और अपने आईज़ को बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी चटोरे। सबसे पहली टेक्निक फ्रेंड्स, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं, आँखों में बहुत रेडनेस हो गया है आँख में और वो बहुत जल रही है, दर्द हो रही है, तो आप क्या करें? फौरन आप पानी से उसको अच्छी तरीके से वॉश करें। उसका देखिए एक तरीका है वॉश करने का फ्रेंड्स, नल से या टैप से हमें डायरेक्ट पानी लेना है, अपने हाथों में ऐसे लेते हुए और उछालते हुए हमने आँखों को बंद करना है और क्लोज करने के बाद हमें वो पानी अपने आँखों पे इस तरीके से फ्रेंड्स लेना है और उछालते हुए हमें अपने आँखों पे यहाँ पर डालना है फ्रेंड्स ऐसे, ताकि वो हमारे जो आँखों पे जाएगा वो एक बूंद बूंद के उस फॉर्म में उछल के आँखों के ऊपर जब पड़ेगा तो हमारी आँख उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। एक एक सेल्स जो हैं, वो मसल्स जो हैं, वो सारे रिलैक्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो आपको उछाल के पानी डालने की टेक्निक मैंने बताई है फ्रेंड्स, इसमें आप 10 times, 15 times, 21 times जितना आप कर सकते हैं फ्रेंड्स आप करिए। आप एक साथ दोनों आँखों को भी बंद करके कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक एक आँख बंद करिए, थोड़ा पानी लीजिए, उछाल के डालिए, थोड़ा ऐसे करके थोड़ा झुक के आप अच्छी तरीके से डाल लीजिए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आँखें ठंडी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है जिसमें हमें अपने इन हाथों को इस तरीके से करना है और ऐसा रख के इसे अच्छी तरीके से फ्रेंड्स रब करना है, और इसे इतने देर तक हमें रब करना है, चाहे वो 20 times हो, 21 हो या 30 हो, इतने देर तक हमें इसे रब करना है फ्रेंड्स, ताकि हमें इसमें गर्माहट फील होगी और एक एनर्जी जैसा रिलीज हो रहा है आपस में अंदर हाथों के अंदर, ये फीलिंग आ जाती है फ्रेंड्स, गर्म गर्म महसूस होता है। जब ये ऐसा होता रहे, होने लगे, आपको फील हो कि हाँ अब हो गया है, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इन हाथों को इस तरीके से आंखों के ऊपर रखना है। रख के थोड़ी देर आपको आंखें बंद करते हुए रिलैक्स करना है। जब तक आपको उस हाथ की गर्मी फील हो रही है तब तक आप उसे वैसे ही रखिए, उसके बाद वापस आप इसे हटाइए और वापस इसे रब करिए, उतनी ही हीट जनरेट हो जाए वापस, तो फिर इसे आप अपने आँखों के ऊपर इस तरीके फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से दबाते हुए आँखों को बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से शेप बनाना है और ऐसा बना के हमें रखना भी इसी तरीके से है और आँखें बंद होगी, ताकि हमारे आँखों को कुछ नुकसान ना पहुँचे, दबे नहीं वो आँख। फ्रेंड थर्ड टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है हमें, अपने आईज़ को आप जैसे कंफर्टेबल हैं बैठ के या लेट के, आपको अपने आईज़ को चाहे आप क्लोज कर लीजिए या फिर ओपन रखिए, जैसे आपको सही लगता है फ्रेंड्स। आपको अपनी ये उंगली के ये टिप से यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आँख के देखिए ये कॉर्नर के तरफ आपको ऐसे हल्के हाथों से रखना है और ये पॉइंट को हल्के, मतलब एकदम जेंटल तरीके से हल्का सा इसे आपको प्रेस करना है कुछ सेकंड्स के लिए और इसे रिलीज़ करना है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, और वापस इसे वापस थोड़ा सा प्रेस करना है फ्रेंड और फिर इसे रिलीज़ करना है। और आँख अगर आप इसे बंद करके करते हैं फ्रेंड्स तो ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और आँखें बहुत जल्दी रिलैक्स फील करने लगती है, और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपको बहुत आराम महसूस होने लगेगा फ्रेंड्स। चौथी टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ
उसमें भी आपको अपने फिंगर, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है, उसकी टिप हो लेनी है और आपको अपने आईब्रो के जस्ट सेंटर पे यहाँ पर उंगली रखनी है और इसको हल्का हल्का हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। ये भी ध्यान रखिए, इसको भी जेंटल तरीके से करना है, बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, हल्का सा, और आँख क्लोज करिए और लंबी डीप ब्रीथ करिए फ्रेंड्स। तो उससे आप देखेंगे कि आपको कुछ ही देर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत आईज़ आपकी रिलैक्स फील करने लगेगी। धीरे धीरे आँख खोल लीजिए और आप इसे भी चाहे लेट के करिए या फिर बैठ के करिए, ये आपके ऊपर है। इसमें भी आप आँख क्लोज करके भी कर सकते हैं, ओपन कर करके, पर ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है अगर हम आँखों को क्लोज कर लें और अपनी जो ब्रीथिंग है वो डीप ब्रीथिंग करें तो हमको बहुत जल्दी रिलैक्स फील होने लगता है। फ्रेंड्स, फिफ्थ टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप जहाँ पर भी वर्क प्लेस पर बैठे हों या घर पे हों तो आपको इसमें क्या करना है, कोई भी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको देखना है और उसके बाद आपको थोड़े दूर की चीज़ों को देखना है। तो मतलब थोड़ी देर आपको 10 काउंट करके वो करीब की चीज़ को देखना है, उसके बाद जैसे अब ये हाथ है मेरा, उंगली है, इसको मैं देख रही हूँ, 10 टाइम्स काउंट किया मैंने, उसके बाद इसी को मैं अगर दूर डिस्टेंस इसको कर देती हूँ, दूर कर देती हूँ, तो उसको मुझे 10 काउंट करते हुए उसको देखना है, फिर वापस मुझे वो करीब का ऑब्जेक्ट देखना है, उसके बाद फिर से मुझे वो दूर का देखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे भी हमारे आई मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत जल्दी आँखों को रिलीफ मिलने लगता है। फ्रेंड्स, सिक्स टेक्निक है, देखिए इसमें हमें अपने आँखों को क्लोज करना है और हमें अपने आई बॉल को, मतलब पूरे आई बॉल को हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्लोली जेंटली हमें उसे रोटेट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं करती हूँ, आप एक बार देखिए, आँख को ऐसे क्लोज करना है और हमें आई बॉल को अंदर अंदर, पहले ऊपर इधर देखना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इधर जाना है, नीचे की तरफ आना है, फिर इधर आना है, ऐसे करते इधर देखना है, फिर ऐसे ऊपर देखना है, फिर इस साइड आना है, फिर इधर, फिर नीचे की तरफ, फिर उधर, ऐसे आपको एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आईबॉल को रोटेट करना है। इससे भी हमारी आँखें जो है बहुत रिलैक्स फील करती हैं, मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और काफ़ी बेहतर महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, लास्ट टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, सेवेंथ, जिसमें आपको बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाइए या आप लेट जाइए, उसके बाद आँखों को एकदम लूज फ्री करके बंद कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसे, रिलैक्स करिए, उसके बाद आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रेथ करना है आपको। ऐसे जब आप फ्रेंड्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगी। फ्रेंड्स, तो ये रहे वो 7 टेक्निक्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।